नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआरएन न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। गुना बास्केटबॉल अकादमी द्वारा कराया गया निशुल्क बास्केटबॉल चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप में जूनियर खिलाड़ियों को बास्केटबॉल प्रतियोगिता होनी थी, लेकिन परीक्षाओं के चलते इसमें कमी टीमों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आयोजकों की माने तो यह केवल एक ही टीम खेलने के लिए आ पाई, जिसका कारण परीक्षाओं का होना बताते हैं। आयोजकों ने मई माह में दोबारा इस चैंपियनशिप को कराने की बात भी कही और उम्मीद जताई कि इसमें ज्यादा से ज्यादा टीमें भाग लेंगी। बिल्कुल सही डिसीजन है रेफरी के द्वारा। यहाँ पर साइड थ्रो करते हैं गुना पब्लिक स्कूल खिलाड़ी और बॉल ले आते हुए। गुना बास्केटबॉल अकेडमी द्वारा प्रथम इंटर स्कूल प्रतियोगिता कराई जा रही है निःशुल्क, और इस बार क्या एग्जाम होने के कारण कम टीमों ने भाग लिया। हमारी भी अगले उसमें भव्य आयोजन करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों की टीमें भाग लें। एक ही स्कूल की इसमें टीम भाग लेगी, इसमें कोई टीम को जो नहीं मिला के खिलाया जाए। हमारी कोशिश चाहिए छोटे बच्चों का भी हम एक आयोजन मई में कराएंगे, माइक्रो मिनी और अंडर 14 जो मई में कराया जाएगा, उसमें पूरी व्यवस्था रहेगी बच्चों को निःशुल्क, और जो भी ज़्यादा ज़्यादा पुरस्कार हम दे सकते होंगे उतनी कोशिश करेंगे हम सब बच्चों को पुरस्कार मिले, ऐसा हमारी व्यवस्था रहेगी। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एवं ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन वेतन मिलने में अनियमितताओं को लेकर था। लोको रनिंग स्टाफ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि रनिंग किलोमीटर का जो पैमाना 1980 में सरकार द्वारा बनाया गया था, उसी के तहत उन्हें मानदेय मिलना चाहिए, साथ ही नए वेतनमान को भी जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। सभी की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूर करो नियत को, मत करो किलोमीटर पर चोट, जिंदाबाद। रनिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। रनिंग एकता जिंदाबाद, रनिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। AIGC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन और ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल दोनों का ज्वाइंट वेंचर था। हमारी मांग है कि हमको हमारी ड्यूटी के एवज में जो किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है, वो 2016 में नया पे कमीशन आने के बाद से अभी तक सरकार ने उसका निर्धारण किया नहीं है। तो हमारी मांग है कि उसका निर्धारण यथाशीघ्र किया जाए, और सरकार द्वारा ही जो फार्मूला 1980 में बनाया गया था उसी फार्मूले के तहत हमारे किलोमीटर अलाउंस की रेट डिसाइड की जाए, यही हमारी मांग है। ठीक। स्टेशन रोड पर हरे भरे पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी। बताया जा रहा है कि स्टेशन रोड को चौड़ा करना है, जिसके चलते इन पेड़ों को काटा गया। जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ की रोड 35 फीट तक बढ़ाई जानी है, साथ ही चौड़ीकरण में पेड़ बाधक बन रहे हैं, इसी वजह से इन्हें काटा गया। अब देखना ये होगा कि आगे जो दुकानें बनी हुई हैं और पक्के निर्माण किए गए हैं उन्हें किस तरह से और कैसे हटाया जाएगा। चालू में है। आओ। नहीं मतलब जो पुलिस 70 बट गई इसको ले दो। ऑल इंडिया DYO ने आज नगर पालिका के समीप ही दूसरा युवा सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का आयोजन शराब नहीं रोजगार चाहिए के बैनर तले किया गया। इस सम्मेलन के दौरान यह मांग की गई कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी की जाए, वहीं युवाओं को रोजगार भी दिए जाएं। आयोजकों ने बताया कि बढ़ते नशे के चलते ही अपराधों का ग्राफ मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है। यदि नशे पर पाबंदी लगाई जाए तो अपराधों पर अपने आप ही पाबंदी लग जाएगी।
फिर भी हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है, हमारे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। इनके खिलाफ में युवा संगठन डीवाईओ पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को तेज कर रहा है। आज सरकार गली मोहल्लों में हर गांव में बहुत ही ईमानदारी के साथ कह रही कि एक गांव की महिला 10 किलोमीटर दूर सर पर एक मटका रखकर पीने का पानी लेने के लिए जा रही है। इस तकलीफ को वो नौजवान अपनी मांग, बेरोजगारी की मांग के खिलाफ, नशाबंदी की मांग के खिलाफ आज ये आंदोलन तेज कर रहे हैं। उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि आज के नौजवान वास्तव में इस आंदोलन में साथ दिए हुए हमारे एक सर्वे बता रहा है कि आने वाले 2020 में मात्र 2 साल में हमारा देश सबसे युवा देश बन जाएगा। साथियों, आज की डेट में 66 करोड़ लोग बहुत सारी नीतियां बैठे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी है जो आप लोगों के बीच में करना है। सरकार आज हमारे हमारे नीतियाँ बनाना चाहिए जो हमारे साथी मौजूद है, इसी के खिलाफ में हर हाथ को स्थायी रोजगार मिले, शराब नहीं शिक्षा और रोजगार नहीं, आप सभी को लेकर आज हम सम्मेलन कर रहे हैं। ये पहला पड़ाव है, इस आंदोलन को आज संकल्प करेंगे हम, इस मांग को मार्गदर्शन देंगे करके जाएंगे। इसी में श्रम के साथ ऑल इंडिया डीवाई सम्मेलन की 367 रोजगार चाहिए इस मांग पर हम लोग कर रहे हैं। सरकार से मांग करते हैं मध्य प्रदेश में पूरी तरह शराब बंद करना चाहिए और नशा लगातार युवाओं के बीच चलाया जा रहा है, जिससे युवा गर्त में गिर रहा है, उसकी नीति खत्म हो रही है। इसके कारण हमारे समाज के अंदर रेप जैसी घटना लगातार बढ़ रही है, छेड़खानी घटनाएं बढ़ रही है, इन पर अविलंब रोक लगाना चाहिए। साथ ही में मांग कर रहे हैं गुना जिले के हर विभाग में, प्रदेश के अंदर जितने विभाग सभा में जो पद खाली पड़े हुए हैं, उन पदों पर अतिरिक्त तुरंत स्थायी भर्ती की जाना चाहिए। मांग कर रहे हैं सरकार से जिस तरह से जो वैकेंसी निकलती है नौकरियों के लिए, उसमें जो फीस ली जाती है नौजवान साथियों से, वो फीस नहीं लेना जाना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार है तभी वो फॉर्म डाल रहा है, उसके बाद भी उसको एग्जाम देने के लिए अपने जिले से बाहर उसका सेंटर आता है, गुना का अगर व्यक्ति है उसे गुना जिले के अंदर इसके एग्जाम होना चाहिए या फिर जिले में, जिससे उसके ऊपर अतिरिक्त भार न पड़ सके। क्योंकि आज इंदौर जाता है कहीं हजार रुपए उसके किराए में खर्च होते हैं, लेकिन सरकार देती नहीं है। हमारा मानना है कि बेरोजगार है तभी रोजगार की मांग कर रहा है, सरकार को उसके लिए किराया देना चाहिए, ये व्यवस्था करना चाहिए। मांग कर रहे हैं कि हर हाथ को काम दो, रोजगार दो, तब तक रोजगार नहीं तब तक बेरोजगारी रहता। 3000 रुपए प्रति माह नौजवानों को मिलना चाहिए, इस मांग की मांग करता है कि हर युवा हर युग के युवाओं की तरह। रोटरी क्लब गुना द्वारा आयोजित किया गया निशुल्क मोतियाबिंद शिविर। इस शिविर का आयोजन गायत्री मंदिर के पास रोटरी भवन में किया गया, जहां पर मोतियाबिंद की जांच निशुल्क की गई। इस शिविर में 300 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें 80 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। मरीजों को ऑपरेशन के लिए आनंदपुर ट्रस्ट ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इस कैंप में आनंदपुर ट्रस्ट के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के लिए पहुँचे। दोनों आग में पहले ही साथ में भी थे। नीचे देख, नीचे देख, नीचे देख, अरे आँख खोल, आँख खोल, आँख खोल के नीचे देखो, आँख खोल, नीचे देख, वो नीचे देख, आया सेकंड, ठीक है माँ, ठीक है माँ, आप हो गया, आप चेचे चेचे आपको, ठीक है, बाहर चले जाओ, ठीक है, बाहर चले जाओ, आ जाता हूँ, हमारे यहाँ ओपीडी में लगभग 300 रोटरी क्लब में लगभग 300 ओपीडी में पेशेंट्स आए हैं, और उनमें से
लगभग 80 के करीब ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, जिनको हम अब हमारे आनंदपुर ट्रस्ट उनकी गाड़ी आएगी और इन मरीजों को वहाँ पर लेके जाएगी पेशेंट, और वहाँ पर उनका ऑपरेशन किया जाएगा निःशुल्क। और ये रोटरी क्लब का योगदान है, इससे समाज को बहुत मदद मिलेगी। ऐसा लगता है कि ये जो हाई कैंप है वो एक सफल आयोजन है। आज के समय में आदमी अपना ही पेट भर ले वही काफी होता है, दूसरों की फिक्र करने वाले तो बहुत ही विरले होते हैं। आज हर व्यक्ति दूसरे के हाथ से निवाला छीनकर खुद खाने में विश्वास रखता है, वहीं एक छोटा सा बच्चा इस तरह की बातों को बिल्कुल उलट करता नजर आ रहा है। यह बच्चा पिछले 2 महीने से प्रत्येक रविवार को रेलवे स्टेशन रोड पहुंचकर वहां जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाता है। दूसरे लोगों की तरह यह केवल दिखावा नहीं करता और न ही फोटो खिंचवाना इसका मकसद होता है, बल्कि हर व्यक्ति को भरपेट खाना खिलाना ही इस बच्चे का मकसद है। बच्चे का नाम हुसैन कमर सैफी है। इस पुनीत कार्य में उसका साथ देती है उसकी माँ। हुसैन ने हमें बताया कि वह पिछले 2 महीने से जरूरतमंद लोगों को खाना देने के लिए रेलवे स्टेशन रोड पहुंचता है। जितने भी लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठते हैं, वह बच्चा उन सबको भरपेट खाना खिलाता है। इसका पूरा परिवार इस काम में उसकी मदद करता है। हुसैन से जब हमने बात करना चाही तो उसने बताया कि उसके स्कूल टीचर ने प्रोजेक्ट के दौरान बताया था कि गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। वहीं धर्मगुरु भी बोलते हैं कि गरीब और असहायों की मदद करना चाहिए। इसी प्रेरणा के चलते यह बच्चा प्रत्येक रविवार को रेलवे स्टेशन रोड पहुंचकर वहां गरीबों को खाना वितरित करता है। हुसैन की मंशा है कि और भी लोग इस काम में आगे आएं ताकि कोई भी भूखा ना सो सके। मैं एक्चुअली बहुत पहले से गरीबों की मदद करना चाहता था। मैं यहाँ पे 2 महीनों से लगातार आ रहा हूँ, हर संडे को आता हूँ, और मेरी ये इच्छा है कि मैं रोज़ आऊँ, मगर थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा उस चीज़ को भी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि गरीबों को खाना मिल जाए, अपन दो दो टाइम का सब बढ़िया खा लेते हैं, तो ये जो है तो एक टाइम का भी ढंग से नहीं खा पाते। तो मेरी ये वो है कि तमन्ना है कि ये इनको सब खिलाऊं अच्छे से, ये पेट भर के खाएं, जितना मेरे से बनेगा मैं करूँगा। और मैं ये सोचूँगा कि दूसरे लोग भी इस चीज़ में आगे आना चाहें। जिला कोर्ट परिसर में आज चपरासी भर्ती हेतु अभ्यर्थी सैकड़ों की तादाद में पहुंचे। कुछ समय पहले यह चपरासी की पोस्ट बहुत ही छोटी मानी जाती थी, लेकिन यहां भीड़ को देखकर समझ में आ रहा था कि लोगों को नौकरियों की कितनी आवश्यकता है। कई ग्रेजुएट और पढ़े लिखे युवा भी यहां लाइन में नजर आए। शिक्षक नईम कुरैशी ने उनकी हत्या किए जाने की साजिश की आशंका जताई है। नईम ने बताया कि विगत 30 तारीख को जब वह अपने परिवार के साथ गुना से रोठियाई की तरफ जा रहे थे, वहीं खड़ेश्वरी मंदिर के थोड़ा सा आगे एक ट्रक चालक ने इनको पीछे से टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, जब ये दोबारा संभल कर रोड पर आने लगे तो ट्रक चालक ने एक बार और इनको टक्कर मार दी। कुछ समझ पाते कि ट्रक चालक ने तीसरी बार भी इनको टक्कर मार दी और निकल गया। हालांकि इन्होंने ट्रक का नंबर नोट कर लिया और इसकी FIR पुलिस में करा दी है। वहीं इनकी आशंका है क्योंकि ये समाज सेवा के कार्य से जुड़े रहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसी वजह से इनको मारने का षड्यंत्र भी हो सकता है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपनी जांच शुरू कर दी है। अब तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि इनकी आशंका कितनी सही है और कितनी गलत। ऐसा हुआ था असली में कि मेरे यहाँ मेहमान आए हुए थे, तो वो मेरी मम्मी को देखने आए थे,
तो मेरी गाड़ी थी सर, एक नई गाड़ी थी मेरे परिवार की, तो वो बेचारे मेरी मम्मी को देखने आए, तो उनको ऑटो ऑटो के पैसे लगते, तो मैंने कि मैं एक काम करता हूँ उनको छोड़े आता हूँ। कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास ओमनी थी सर, तो मैं उनको सारे लोगों को बिठा के जा रहा था ए बी रोड पर, उनको रोटियाई छोड़ने जा रहा था, तो इतने में क्या हुआ कि पीछे से एक ट्रक आया सर, और ट्रक का नंबर था आपका BR/01GA5105, द्वारा बहुत तेज़ी से लापरवाही से पूर्वक चलाते हुए, मेरी गाड़ी चलती गाड़ी थी मेरी, जिसकी स्पीड 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, तो वो आया, आने के बाद उसने मेरे में पीछे से टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद फिर क्या किया कि उसने जैसे तैसे खाई में मेरी गाड़ी गिर रही थी, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा चोर, एकदम घबरा गया मैं, जैसे ही उसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश की फिर उसने मेरे को दोबारा टक्कर मारी, फिर मेरी गाड़ी लड़खड़ाती हुई गई, फिर इसके बाद में तीसरी बार वो क्या किया, मेरे साइड से ये इधर से मारता हुआ वो निकल गया और भाग गया। कितने लोग थे गाड़ी? हम लोग गाड़ी में 6 लोग थे, कुल मैं साहब। किस जगह घटना हुई है ये? घटना है आपका ये ए बी रोड पे, खड़ेसरी वाले महाराज हैं, उससे थोड़ा सा आगे। कितनी तारीख की घटना? ये तारीख है 30 तारीख की। तो इसमें कितने लोगों को चोटें आई? इसमें सभी लोगों की चोट आई, मेरी ये गर्दन में चोट आई है, और मैं जब सर ऐसे करता हूँ तो मेरे को चक्कर आते हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मैंने जो है वो आपका कलेक्टर साहब को भी लिखा। इसमें एफ आई आर करवाइए। एफ आई आर तो लिख ली गई, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जिस साजिशन हत्या करवाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो मैं लड़ रहा हूँ। लगातार 25 वर्षों से जारी स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह रघुवंश स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आज फाइनल मैच है। इस मैच में दो टीमें भाग लेंगी, एक राहुल 11 और दूसरी आशीष कम्युनिकेशन के बीच फाइनल मैच होना है। अशोक शर्मा जी है क्या? अशोक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत भाई हमारे। अशोक लवली लवली बॉलिंग, बेहतरीन ड्राइव इस बार प्रियांशु है क्या? प्रियांशु का शानदार सितारा दे। आज सुबह हरिपुर रोड स्थित रास्ते पर एक युवक की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, तफ्तीश के दौरान पता चला मृतक का नाम गजेंद्र कबीरपंथी है। मौके पर ही युवक का स्कूटर भी मिला। उम्मीद जताई जा रही कि गाड़ी चलाते समय अचानक अनियंत्रित होकर युवक गिर गया, जिससे उसको चोट लगने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही गजेंद्र जेल से रिहा हुआ है। सूत्रों की माने तो यह हादसा शराब पीने की वजह से हुआ है। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की जिला बैठक स्थानीय साडा कॉलोनी राधोगढ़ कार्यालय में संपन्न हुई। सर्वप्रथम भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्याम ओझा ने की। उन्होंने बताया कि सीहोर जरखेड़ा में 26-27-28 जनवरी में विश्व हिंदू परिषद का प्रांतीय वर्ग संपन्न हुआ। उसमें प्रांतीय अधिकारी उन्हें आगामी 6 माह के कार्यक्रम की जानकारी भी दी। अपन ने अकेले पड़ जाना तो अपन कानून का सहारा भी ले सकते हैं। उसमें क्या 298 नंबर है और 290 नंबर ऐसा है, अगर आप उसे कॉल करोगे तो आपकी बात को गुप्त रखा जाएगा और पुलिस भी आपकी रक्षा करने के लिए तुरंत आ जाएगी 15 मिनट के अंदर। उसे कहीं अकेले फंस भी जाओ और तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हो, कोई अकेले से फेर में जा रहा है और कोई तुम्हें परेशान कर रहा है पढ़ के। उसके साथ में 15-20 लड़की बैठी थी, BSF के जवान थे, वो अकेली लड़की थी तो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे बहुत देर से। वो बहुत परेशान हो गई, उसने तुरंत अपने घर वालों को फोन करा, BSF किया,
कि भैया मैं इस तरह से परेशान हूँ, मेरा मोबाइल चला लिया, 10 मिनट में भी डायल कर दिया, जैसे रुकी आई उन्होंने गाड़ी रुकी, जैसे उन लोगों को पकड़ा उनके सारे समय को सुन ली, ऐसे कई बातों का ध्यान रखना। विवेकानंद ग्रुप एवं राष्ट्रीय युवा योजना इकाई गुना ने गोद ग्राम कंचनपुरा में अपनी गतिविधियां संचालित की। ग्रुप संयोजक जितेंद्र ब्रह्म भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा 9 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। सदस्यों के द्वारा हाथ धुलाई का डेमो भी समुदायों के बीच कराया गया और स्वच्छता का संदेश बच्चों को दिलाया गया साथ ही बच्चों को पढ़ाने की रूपरेखा भी बना रहे हैं, जहां पर रविवार को 2 घंटे ग्रुप की ओर से बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा। रोहित तोमर ने युवाओं को नशे के बुरे प्रभावों के बारे में बताया। प्रखर ब्रह्म भट्ट ने बच्चों को खेल खेल में कविताओं के माध्यम से गिनती और शारीरिक गतिविधियां कराई। बहुत सारी ऐसी बीमारियों का खुद अपने आप में आमंत्रित कर लेते हैं और उनका शिकार हम खुद होते हैं और बच्चे होते हैं। हम नहीं चाहते कि हमने जिस बस्ती को गोद ले रखा है वहाँ पे कृमिनाशक में, हम जो चाहते हैं कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं में विवेकानंद ग्रुप और राष्ट्रीय युवा योजना समुदाय को जागरूक करे और शासन की जो सारी योजनाएं हैं उन सारे लाभों का चीज़ों का लाभ वंचित बस्तियों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल शर्मा, आप समाज के अध्यक्ष हैं, आप हमें ये बताएं कि आपने प्रदर्शनी किस लिए लगाई है? ये समाज में फैली कुरीतियाँ जैसे नशे के बारे में, आज का युवा नशे में लुप्त है, तो युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव बताने के लिए, जिससे कि युवाओं को समझ में आ सके कि नशा किस प्रकार से हमें घातक है, इसलिए हमने आज ये वो नशे की प्रदर्शनी लगाई और लोगों को समझाया। और आजकल के जो बच्चे धूल में खेलते हैं और यहाँ सोच करते हैं वहीं खुले में वहीं खेलते रहते हैं, उनसे उनके हाथों में गंदगी फैली रहती है, इस कारण और आज हमने बच्चों के हाथ धुलवा के भी देखे किस प्रकार से कितना साबुन से धोने के बाद कितना होता है और क्लियर आने के बाद बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सफ़ेद होता है, इस प्रकार से भी हमने बच्चों को आज यहाँ पर ये हाथ धोने के बारे में बताया है। और आज शिक्षा के लिए भी हमने यहाँ पर प्रयास किए हैं, बच्चों से भी बात की है कि आप लोग हमें समय दें और आप लोग इकट्ठे हों और हम आपको एक को गिनती सिखाएंगे। आज हम भालू को गिनती सिखाएंगे। आज हम भालू को गिनती सिखाएंगे। बोलो भालू एक, बोलो भालू एक, तुम्हें मिलेगा केक, तुम्हें मिलेगा केक, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे। आज हम भालू को गिनती सिखाएंगे, आज हम भालू को गिनती सिखाएंगे। बोलो भालू दो, बोलो भालू दो, बोलो भालू दो, बोलो भालू दो, तुम्हें मिलेगा ढोल, तुम्हें मिलेगा ढोल, थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे, थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा ढोल कैसे कैसे बजाते ना, थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे, थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे। आज हम भालू को गिनती सिखाएंगे, आज हम भालू को सिखाएंगे। बोलो भालू तीन, बोलो भालू तीन, तुम्हें डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।